Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. स्वागत है आप सभी का latestly.com पर खास बातचीत में. आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा भारद्वाज जी. टेलीविजन पर हमने इनको देखा होगा तेनाली रामा शो में, जो कि काफ़ी बच्चों में और सभी में काफ़ी पॉपुलर है. सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो यू नो, आते समय ट्रैवल गाड़ी में कोई ऐसा मतलब गाना गुनगुना रहे थे आप, एकदम बरसात का मौसम एकदम? अभी रेडियो पे बहुत ही ऐसे चीजी सा गाना बजा, टिप टिप बरसा पानी, तो ये सुनते हुए आया हूँ मैं यहाँ तक. सर टेलीविजन पर आपने जो भी तेनाली रामा जो है आप इसका किरदार निभा रहे हैं, बट रियल लाइफ में नो बच्चे लोग आपको काफ़ी फॉलो करते हैं. एक सक्सेस मंत्र, एक मैसेज आप बच्चों को देना चाहेंगे एक उस अंदाज में? जी, मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ में ये एक मंत्र हमेशा लोगों को बोलता हूँ, और वो है कि थोड़ा ज़्यादा. थोड़ा ज़्यादा से मेरा मतलब है कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी सपने देख रहे हैं, अपने पैशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कीजिए. वो जो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता. उसमें वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है. सो माई मंत्र टू यू गाइज आर थोड़ा ज़्यादा. आप मुंबई में हैं, आप इतना स्ट्रगल करके आज आप एक बड़े नो नामचीन फेस हैं इंडस्ट्री में, बट जब आप अपने घर जाते हैं तो किस तरह का माहौल होता है और क्या स्पेशलिटी होती है वहाँ पर? अरे पूछिए मत, मैं अभी एक्चुअली परसों ही रांची से वापस आया हूँ, 4 दिन की छुट्टी मना के, और मम्मी के हाथ का खाना खा के थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ, गाल वाल निकल गए हैं. होता ऐसा है कि रैंडम लोग घर में आ जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, रास्ते के चलते हुए लोग, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. वहाँ की लोकल मीडिया है वो परेशान करके रखती है. अभी फादर्स डे आ रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत परेशान किया, तो जो अटेंशन मिलता है वो बहुत सॉलिड अटेंशन मिलना है, मिलने लगा है, थैंक्स टू तेनाली रामा.